गाइज, अब हम देखने वाले हैं कि आपको फायर्स के डैशबोर्ड पे किस तरीके से ट्रेड लेना है। आपके सामने कैसे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी क्या कर रहा है। एक तरीके से ने क्या किया था, मार्केट इज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट अपने को नीचे आता हुआ देखने को मिला। नीचे वाला ये सपोर्ट था, सपोर्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्राइस सस्टेन किया। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि भाई मार्केट इसे ऊपर जा सकता है। ऑर्डर कैसे पंच करना है चार्ट पे, ये आप चार्ट देख सकते हो, जहाँ पर एक ब्लू एंड एक बाई मार्केट एंड सेल मार्केट, यहाँ अपन बाई करने वाले हैं। अब देखो, आप जितनी क्वांटिटी चाहो यहाँ पर कर सकते हो, जितना आपका यहाँ पर फंड है। अगर आप 50 करना चाहो तो 50 कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर 75, ये आपको पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल दिखाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर किस तरीके से एक तरीके से बाई कर सकते हो और किस तरीके से अपन एक तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ को ऑर्डर, मैं आपको दिखा देता हूँ। CO यहाँ पर दिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये। तो यहां पर अपन इसको क्लिक करते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लाइक यहां पर 225। मैं एक तरीके से लगाता हूं यार, मेरा 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप टारगेट भी लगाना चाहते हो तो अब यहां पर एक ऑप्शन होता है BO। ठीक है, आप यहां पर टारगेट रख सकते हो, लाइक 250 का आपका टारगेट होने वाला है। आप इस तरह से यहां पर रखोगे, आप बाई करोगे, आपका यहां पर स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और आपका यहां पर टारगेट भी इस तरीके से यहां पर ही लग जाएगा। जस्ट वेट, देख लेते हैं अपना जो ऑर्डर एक तरीके से क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। आप इस तरीके से फायर पे एज ए ट्रेड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों, फायर का जो चार्ट है काफ़ी स्मूथ होता है और कहीं ना कहीं इतना लेग नहीं करता है। मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि 2022 से मैं फायर्स का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और फायर के डैशबोर्ड को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं वैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर भी यूज़ करता हूँ, बट कहीं ना कहीं फायर्स एंड अपस्टॉक एंड यहाँ पर जेरोदा, कुछ तीन ब्रोकर है जहाँ पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। बट सबसे ज़्यादा काम जो करता हूँ, जो चार्ट देखता हूँ, अधिकतर मैं फायर्स पर देखता हूँ। ये फायर्स में फीचर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। फीचर की बात करते हैं, फीचर क्या होता है, देखो जैसे आप इनका चार्ट देखो तो वहीं पर हो जाता है ऑप्शन चेन, जहाँ पर आप ऑप्शन चेन इस तरीके से देख सकते हो। यार, आपका ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं क्या है, कहाँ पर कितना कॉल राइटर है, कहाँ पर कितना पुट राइटर, यहाँ पर क्लियर दिख जाता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा इसे पावर ऑफ स्टॉक्स जो पूरा फायर्स यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रॉपर एनालाइज करते हैं, वहीं पर ऑप्शन चेन देखते हैं फायर्स का। ठीक है, अब यहीं पर आ जाते हैं, बहुत सारे फीचर आते हैं जैसे आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर, व्यू, डिस्कवर, इंस्टा ऑप्शन। सबसे पहली बात और सबसे मेन फीचर होता है चार्ट का इंस्टा ऑप्शन। इंस्टा ऑप्शन दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फायर्स के साथ में। आपने देखा होगा कि जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करता हूँ, वहाँ पर मैं इंस्टा ऑप्शन यूज़ करता हूँ। और ये इंस्टा ऑप्शन क्यों यूज़फुल है, चलिए आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा 1 मिनट लेता है। ठीक है, ठीक है, अपन आ गए इस पर। अब देखो, ट्रेड अपना चल रहा है, ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हो। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी टारगेट होगा, वो अपने को यहाँ पर ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, एज ए अपने को कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टारगेट नहीं लगाता तो मेरे को यहाँ पर ही प्रॉफिट शो करता, बट मैंने टारगेट लगा दिया है तो भी प्रॉफिट शो नहीं करेगा। आपका जो प्रॉफिट प्राइस जहाँ पर जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रॉफिट इज अ बुक कर लेगा। ठीक है, हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन है, अब देखना इंस्टा ऑप्शन में क्या क्या मिलता है। देखो, ऑप्शन चेन में पूरा ऑप्शन चेन चेक कर सकते हो। वाई स्टैटिक्स में आप ये चेक कर पाओगे कि यार किस लेवल पर, पर्टिकुलर लेवल पर कितना ओआई बैठा हुआ, कंपेयर कर पाओगे। जैसे आप चेक कर सकते हो कि 23,500 के लेवल पे यार क्या है ना, कि पुट राइटर यहाँ पर 83 लाख का है और कॉल राइटर यहाँ पर 64 लाख का है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी, मतलब मार्केट एक तरीके से साइडवेज भी हो सकता है और वॉलेटाइल भी हो सकता है। साथ में मुझे एक फीचर अच्छा लगता है कि अगर आप यहाँ पर इसमें क्या करना चाहो कि भाई लास्ट 5 मिनट में कितना डेटा आया वो आप चेक कर पाओगे, लास्ट 10 मिनट में कितना डेटा है वो आप चेक कर पाओगे कि यार कितना डेटा मार्केट में एक तरीके से आ रहा है, वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे इंस्टा ऑप्शन पे। साथ में ट्रेंडिंग ओआई क्या होता है दोस्तों, ट्रेंडिंग ओआई आपको पता चलता है कि भाई मार्केट में एक तरीके से कितना ओआई बढ़ रहा है। अगर देखा जाए निफ्टी का, देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, कॉल ओआई बढ़ा था क्योंकि एकदम से निफ्टी एक अपने को गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी। आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर निफ्टी में एकदम से अपने को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, कोल का ओआई बढ़ रहा था। आप इससे कंपेयर कर पाओगे यार कोल ओआई बढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से निफ्टी नीचे आ सकता है। ये लाइन आपको बता देगी कि यार नहीं, कोल राइटर ऊपर जा रहा है, मतलब कोल राइटर का जो ओआई वो बढ़ता जा रहा है। वहां से आप क्या कर पाओगे, वहां से आप देख पाओगे नहीं मार्केट गिर सकता है। यहां से पुट ओआई गिरा, मतलब ऐसे पुट का जो पुट सेलर यहां पर जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने वाला है। क्योंकि अगर पुट सेलर अगर निकलेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, मार्केट एक तरीके से वो नीचे आता है। कोल सेलर बढ़े, मार्केट अपने को नीचे आता हुआ देखने को मिला। फिर आप यहां पर ट्रेंडिंग वाइज सेंटिमेंट चेक कर सकते हो। अब सेंटिमेंट से क्या रहेगा ना, आपको क्लियर पता चलेगा भाई सेंटिमेंट तो अपने को डाउन साइड दिखा रहा है। अब क्या करोगे, आप समझ पाओगे यार नहीं, सेंटिमेंट यहां पर जो डाउन साइड अपने को लग रहा है। अगर अपन PCR रेशो देखें तो आप PCR रेशो भी यहाँ पर कंपेयर कर पाओगे, भाई PCR क्या चल रहा है, किस लेवल पर अपना PCR, अगर PCR गिर रहा है
तो मार्केट एक तरीके से गिरता ही, आपको पता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो, फिर साथ में आप ऑप्शन चार्ट भी लगा सकते हो। ये सिंपल फीचर होते हैं जहाँ से आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। बट एज ए फायर पे ट्रेंडिंग ओआई एज ए बेस्ट है जो मेरे को लगता है, जो मैं इसको देखता रहता हूँ। साथ में ओआई स्टैटिक्स ये मैं देखता रहता हूँ, और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन वीडियो में आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों फायर का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात चार्ट पर आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देख रहे हो ऑप्शन चन आपने देख लिया, बास्केट आप ओपन कर सकते हो, साथ में पॉपअप चार्ट। अब पॉपअप चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आपके सामने जितने फीचर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एट फंड लाइक सेटिंग्स रीसेट या कुछ भी नहीं दिखे, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर चार्ट ही दिखने वाला है। जैसे ट्रेडिंग का होता है ना पूरा का पूरा डैशबोर्ड, वैसा ही आपको यहाँ पर ये चार्ट दिखने वाला है। देख रहे हो ऊपर कोई भी फीचर्स यहाँ पर नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर कोई फीचर्स नहीं। अब देख सो प्राइस ऊपर गया बट प्राइस वापस क्या हो गया, नीचे आ गया। तो अपन यहाँ पर टारगेट लगा के रखा है, अगर हिट होगा तो अपने को मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। वो मेरा जो दिखाने का था वो आपको दिखाने का था। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं। देखो आप जब भी क्या करोगे, देखो सारे फीचर्स आपको आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर आप वेब पोर्टल यूज़ नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने निफ्टी का प्रॉपर पहले ही व्यू शेयर कर दिया था कि सेटअप बनेगा 1 मिनट पे, तो इस तरीके से प्राइस ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने यहाँ पर 540 का लेवल दिया था ट्रेड करने के लिए, एज ए व्यू शेयर किया था 560 यहाँ पर चल रहा है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं एज ए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखते हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी मेरे एनालाइज को देख पाते हैं। तो वो क्या करो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि फायर्स में कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जो ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों सबसे आप चेक कर पा रहे हो फायर्स वेब आपको मिलता ही है, फायर्स ऐप आपको मिलता है। फायर्स ऐप पर आ जाते हैं कि फायर्स ऐप में क्या होता है, जस्ट वेट हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखो फायर्स ऐप ही है दोस्तों, फायर ऐप सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या होता है ना, आपको दिखता है कि भाई क्या हो रहा है। देखो मिटके में भी क्या बता रहा है आपको, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, थोड़ा स्क्रीन छोटा होगा गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखना गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। देखो मिटके में क्या है कि लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप का मतलब ये होता है कि लोग एज ए मिड कैप की कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। एंड अगर आपको पता नहीं भाई लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, अनवाइंडिंग क्या होता है, उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जाके चेक कर लेना एंड में। बट आप यहाँ पर उनकी फीचर समझो, यहीं पर आ जाए कि यार मिड कैप में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब मिड कैप यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो हम निफ्टी मिड कैप को सेलेक्ट करते हैं जिसे अपन ने लगा रखा है, शायद मिड कैप देख लेते एक बार, लाइक यहीं पर मैंने देखो ठीक है मिडकैप यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेटा बता रहा है कि यार लॉन्ग बिल्डअप मिडकैप में हो रहा है। अनवाइंडिंग मतलब जिन लोगों ने क्या कर रखा था मिडकैप में पुट ऑप्शन लेके रखा था, वो लोग यहाँ पर अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर देख पाओगे, देख रहा है आपको प्रॉपर इस तरीके से। साथ में कुछ फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, चार्ट्स, बास्केट, एग्जिट पोजिशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक ये फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है आप देख सकते हो एज ए स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मेरा काम था आपको दिखाने के लिए। तो मार्केट आप देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मार्केट ऐसे बहुत ही ज़्यादा अपने को वोलेटाइल होता हुआ देखने का मिलता है। देखो सस्टेन किया फिर इस तरीके से नीचे आ गया, फिर भी अपन आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से फीचर है जो अपन को देखने चाहिए। तो फायर्स ऐप यहाँ पर आप देख पाओगे, साथ में आप वेरीफाई पीएनएल भी यहाँ पर इस तरीके से शेयर कर पाओगे सामने वाले को, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अपन आ जाते हैं और वापस यहाँ पर और फीचर देखते हैं। देखो फायर्स वन मिल जाता है डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको दिखाई दिया है। फायर्स इनसाइट आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर ये भी। फायरनेस ट्रेडिंग भी आपको मिल जाएगा। फायर्स का आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए अलग सेशन बनाया, फायर्स आईपीओ, फायर्स डायरेक्ट कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स, ये आप इस पर क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको मिल जाएगी। इन्वेस्ट ऑफ ईयर्स ये मिल जाएगा। फायर्स एसजीबी इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड जो आप करना चाहो। डेप्ट मार्केट ये आपको एक फीचर मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स एज ए फायर ने दिए हुए। अब यहाँ पर आ जाता है कैलकुलेटर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, एवरेज शेयर प्राइस। सबसे मेन फीचर अगर मैं बात करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है वो है फायर का जर्नल। दोस्तों ये फायर का जर्नल बहुत ही अच्छा होता है। देखो क्या होता है ना दोस्तों, इन्होंने जो फायर का जर्नल निकाला है वो किसी ब्रोकर पे शायद नहीं है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर आपको टेबल मिल जाता है। टेबल मिलते क्या होता है, क्या पर्टिकुलर डेट पे, मान के चलो आज 21 तारीख है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर नोट कर सकते हो
टाइटल डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, साथ में जो आपने ट्रेड लिया है उसका फोटो अपलोड कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपके एप्लीकेशन में सारी जानकारी रहेगी, वहाँ पर आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन ओपन करोगे, भाई मैंने इस दिन ये गलती करी थी, ये गलती हुई थी, तो उस तरीके से फायर जर्नल को यूज़ कर सकते हो, जो ये फीचर अभी किसी ने शायद नहीं दिया है। ये फीचर अभी यहाँ पर किसी ने नहीं दिया दोस्तों, दिखा देता हूँ क्या होता है। देख रहे हो, मान के चलो कि ये फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे आपको यहाँ पर कुछ जर्नल लिखना, इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिख जाता है कि भाई ये आपको पूरा जर्नल होता है जहाँ पर आपको दिखता है भाई क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है। मान के चलो आपको यहाँ पर जर्नल, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक ट्रेड लिया है एज ए, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा स्मॉल था तो इसमें अपन डाल सकते भाई स्टॉप लॉस मेरा छोटा था, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लाइक इस तरीके से आप जो भी है कर सकते हो, टैग वगैरह आप डाल सकते हो, हैशटैग वगैरह, साथ में जो आप लिखना चाहो कि भाई ये जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, ये मेरी गलती हुई है इस ट्रेड में, तो मैं कहीं ना कहीं मैं इस गलती को सुधारूंगा, आप इस तरीके से प्रवाह जो है लिख सकते हो। लाइक आप यहाँ पर करना चाहो तो फोटो अपलोड कर सकते हो, तीन फोटो आप अपलोड कर पाओगे। लाइक आप यहाँ पर कर रहे हो तो इस तरीके से आप गैलरी में जाओ, वहाँ पर आप फोटो अपलोड कर सकते हो, जैसे मैंने ये फोटो अपलोड कर दिया, आप इस तरीके से यहाँ पर तीन फोटो अपलोड कर पाओगे, स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना, आपको प्रॉपर यहां पर बहुत सारी जानकारी इसमें जो है मिल जाएगी। देख रहे हो, मार्केट वोलेटाइल है, अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता तो शायद ही हिट नहीं होता, बट मैंने आपको दिखाना था जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आ जाते हैं कि ये फायर का जर्नल यूज करना, दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आप कहीं ना कहीं फायर का जर्नल यूज करना, सबसे बड़ी बात। यहां पर एक और चीज होती है मेरे को जो लगता है अच्छा खासा, एक सेव्ड का ऑप्शन चार्ट, देख रहे हो यहां पर, देखो व्यू सेव्ड चार्ट, इसका मतलब ये होता है जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने का मिलेगा। जितने भी आपने चार्ट सेव करे हैं लाइफ में, इन फ्यूचर आपके जितने भी करोगे, वो आपको फायर्स पे दिख जाएगा, पूरा का पूरा आपको फायर्स पे इस तरीके से दिख जाएगा। देख रहे हो, आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर फायर पे सब कुछ दिख गया कि भाई देख रहे हो मैंने कब से सेव किया था, 2022। पहले मैं इंडिकेटर यूज़ करता था एज ए स्टॉप लॉस हंटिंग। बहुत सारे चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जितने भी आप सेव करोगे वो आपको दिख जाएगा। आज का आप चेक कर लो, 29 अगस्त, सॉरी यहाँ पर 2023 मैंने सेव किया था, तो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो चार्ट देख पाओगे कहीं ना कहीं। देख रहे हो ये दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स हैं ना जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा फीचर मेरे को जर्नल, सबसे अच्छा फीचर इंस्टा ऑप्शन, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मिलता है, बहुत सारे ब्रोकर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने अपने फीचर्स निकालते हैं, बट मैं बोलता हूँ मेरे को जो फायर्स के जो फीचर्स लगे हैं वो बहुत ही अच्छे लगे। साथ में अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पर देख रहे हो फायर्स स्कॉल ऑफ स्टॉक्स, ये मिलता है भाई, लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट की जितनी वीडियोज रहेगी शायद वो आपको दिख जाएगी। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, बट दिखा देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर आप देख सकते हो, फंडामेंटल आप सीख पाओगे, ऑप्शंस में क्या होता है देख पा रहे, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सीख पाओगे। तो इनका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको पता है एज एक तरीके से क्या होता है, गूगल प्ले पर भी है और एप्पल स्टोर पर भी है, तो आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। यहीं पर बात करते हैं और बहुत सारे फीचर्स, आप चाहो तो यहाँ पर अपडेट नोटिस बोर्ड होता है, होलीडे कैलेंडर इसमें मिल जाता है, तो बहुत सारे फीचर दोस्तों मेरे को अच्छे लगे। जो मेन फीचर है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार यूज़ करो, फायर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, जहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, किन किन का नाम लो, पावर स्टॉक का नाम ले देता हूं, उसके बाद में इंट्राडे हंटर लाइक उनका फायर चार्ट यूज़ करते हैं अधिकतर, वो ट्रेड करते हैं, आपको पता जेरोधा, बट वो फायर का चार्ट यूज़ करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो क्योंकि उनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पहले देखा था उनका वीडियो, तो वो फायर ही यूज़ करते हैं एक तरीके से, तो आप चाहो तो फायर यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक मैंने एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी सीख सके फायर पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को दोस्तों जय श्री राम मेरी तरफ से।